now let's start with our tubular system. So अब tubular system में क्या क्या रह गया हमारा, ठीक है? हमने seminal vesicle पढ़ लिया, हमने vas deferens पढ़ लिया, हमने epididymis पढ़ लिया, ठीक है? अब हम move करते हैं अपने female के अंदर, कि female के अंदर कौन से वो system है जो tubular है, ठीक है? जो tube like है, जिनके पास epithelium है, म्यूकोज है, सब म्यूकोज है, लेमना प्रोप्रिया है, मस्कुलरिस है, एडवेंटिशिया सीरोज है, लाइक जो भी लेयर्स का आपको नाम आते, ठीक है, ट्यूबुलर के, ठीक है? तो इसमें क्या है कि कोपुलेटरी ऑर्गन वेजाइना होगा, ठीक है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड मेमरी ग्लैंड होंगे, ठीक है, जेनिटल डक्ट्स जो होंगी, यूट्राइन ट्यूब होगी, यूट्रस होगा, और जो इनके प्राइमरी सेक्स गोनेड्स हैं उनका पेयर होगा ओवरीज, ठीक है? अब इन दोनों के पास बिकॉज ऑफ स्ट्रोमा एंड पैरेन्काइमा, हम इसको ग्लैंडुलर सिस्टम के साथ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाना चाहिए कि हम ट्यूबुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वेजाइना, यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस, ये ट्यूबुलर सिस्टम होंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ आर वेजाइना. सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेजाइना. व्हाट इज वेजाइना हिस्टोलॉजिकली? ओके, कहता है कंपोज ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लेयर, तीन डिस्टिंक्ट लेयर है, म्यूकोजा, मस्कुलरिस, एडवेंटिशिया, ठीक है? म्यूकोजा के अंदर एपिथीलियम है, लेमना प्रोप्रिया, ठीक है? एपिथीलियम कौन सी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथीलियम. अब अगर आप रिमाइंड करें पिछला लेक्चर, तो उसके अंदर कौन सी एपिथीलियम थी, सबसे मुश्किल वाली जो बनानी होती, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथीलियम थी, लेकिन यहां पे सूडो स्ट्रेटिफाइड नहीं है, स्ट्रेटिफाइड है, और क्लोमनर नहीं है, स्क्वेमस है, ठीक है? सो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी उसकी. अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आपने याद इस तरह से रखना है कि मुश्किल वाली के बाद आसान वाली थी, ठीक है? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज एपिथीलियम होगी, कोरेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स होंगी इसके लेमना प्रोप्रिया में, ठीक है, और मस्कुलरिस की दो लेयर्स होंगी, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और एडवेंटिशिया आपको पता है बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी नॉट इन द एब्डोमिनल कैविटी, दैट्स व्हाई एडवेंटिशिया इज हियर. सो दिस इज द हैंडमेड डायग्राम ड्रॉन बाय समवन एल्स. सो इसको देखते हैं कि इसने क्या किया. ये देखें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज एपिथीलियम ड्रॉ की हुई है, ठीक है? उसके बाद लेमना प्रोप्रिया के अंदर हमने पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यू भी बनाई हुई है और ब्लड वेसल्स भी बनाई हुई है, ठीक है? और अब ये देखें, इनर कौन से, इनर सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, और एडवेंटिशिया बनाया हुआ है. सो ये सारी चीजें अब हम ड्रॉ करते हैं. ओके, मैं पेपर ले लूं. ओके, लेट्स ड्रॉ. सबसे पहले क्या करेंगे हम, एपिथीलियम ड्रॉ करते हैं. बट बिफोर आई रियली गो इन टू डिटेल, आई जस्ट मैंशन अ लिटिल थिंग, ठीक है, कि ये किस तरह से मतलब आगे, ठीक है? अब आपको पता है जो रफ डायग्राम, ओके, ये ओवरीज है, ठीक है, ये फ्लोपियन ट्यूब है या यूट्रिन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये जो है ये यूट्रस है, ये वेजाइना है, ठीक है, ओके, वेजाइना, सॉरी अबाउट माय स्पेलिंग्स, ठीक है. अब ये देख लेंगे, एक ट्यूब है, ठीक है, अगर इसको आप इस तरह से देख लें तो ये एक ट्यूब है. अब इस ट्यूब का आपने एक पार्ट लिया यहां से, उस पार्ट को आपने बड़ा करके देख रहे हैं कि ये पार्ट एक्चुअली में है क्या. सो जारी बात है कि अगर ये बंदा इसको गोगुलाई में बनाता तो इस तरह से बनाता,
ठीक है, और इन चीज इन्हीं चीजों को एक्सटेंड करता, ठीक है, इन्हीं चीजों को एक्सटेंड करता वो, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि यार ये सिर्फ एक पार्ट लिया, लाइक अ पिज्जा, पिज्जा का एक पार्ट है, एक स्लाइस है, सो एक स्लाइस को एक्सप्लेन वो कर रहा है। सो आगे आपको जाके ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर होल ट्यूब बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक पीस उठाएं और एक्सप्लेन करें और आगे जाएं, बस मैंने आपको ये एक कॉन्सेप्ट देना था। सो नेक्स्ट एपिथेलियम को हम ड्रॉ करें स्टडी फिट के मैं सभी दिल में, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ऐसे सारी बना लें आप, ठीक है, उससे पहले सिक्का बारीक कर लें। अब इसी के ऊपर आप एक ना इस तरह से लेयर पहले बना लें, क्योंकि ये स्क्विमस एपिथेलियम कोलमनर नहीं है, सो हम इनको गोल बना रहे हैं, क्योंकि स्क्विमस में आपको पता है मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ कि स्क्विमस गोल बनते होते हैं, ओके। अब क्या कर लें, इनके न्यूक्लियाई बना लेते हैं, ठीक है, इसके ज़रा बड़े बड़े न्यूक्लियाई होंगे। अब इनके न्यूक्लियाई पूरे कर लें, ओके, नाउ मेक इट डार्क। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसका बनाएंगे लेमिना प्रोप्रिया। तो लेमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स ओनली, ठीक है। सो अब हम इसके अंदर बनाएंगे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, आर्टरीज बना लेते हैं। न्यूक्लियाई, वीन, आप कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर कर देते हैं, ओके
Now make it dark. ओके अब हमें कौन से बनाने हैं, अब हमें इनर सर्कुलर मसल्स बनाने हैं. एटलीस्ट मेक थ्री लेयर्स. आई रिपीटेडली सेड इन प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो कि आपने जब भी सर्कुलर की लेयर्स बनानी है तो उनको प्लीज दो से तीन बनाएं. Now put the nucleus in this. Okay. अब हम बनाएंगे इनके outer longitudinal circular तो बना लिए. बिन के अंदर इनके मसल्स इनके न्यूक्ली. नाउ आल्सो मेक देम टॉक. सो एडवेंटिशिया के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और फैट्स होते हैं. पुट द न्यूक्लियस. ओके ये हमारी वजाइना होगी कंप्लीट. ठीक है अब लेबल कर लेते हैं. ओके सो इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथीलियम. व्हाट इज दिस, दिस इज लेमिना प्रोप्रिया. ओके लेबल मेरे लेबल करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये बंदा लेबल क्या करने जा रहा है. ओके आई एम लेबलिंग दिस इट्स व्हाट इनर सर्कुलर व्हाट दिस आउटर लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूडिनल. ठीक है मसल है. ठीक है और ये क्या एड व्हेन टीशिया. Both these together is known as what? Mucosa. Okay? And what is this layer? Muscularis. So, इस तरह से एक दो तीन लेयर हो जाती हैं और इसका नाम क्या हम देते हैं वे जाए नाम. थैंक यू.